जो अमेरिका में एक छोटे से शहर में रहा करता था। उस दिन अमेरिका में हेलोवीन का त्योहार था और सभी लोग उसी का जश्न मना रहे थे। हेलोवीन की रात उन लोगों को याद किया जाता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, जैसे उनके परिवार वाले, जंग में शहीद हुए जवान, या जिन्होंने सोसाइटी के लिए काफी योगदान दिया। कहते हैं इस रात को असली दुनिया और गुजर चुके लोगों की दुनिया के बीच एक पैसेज यानी एक रास्ता खुलता है, और जिन भी गुजरे हुए लोगों को याद किया जाता है वो उस रास्ते से अपने लोगों से मिलने आते हैं। डेविड भी हेलोवीन की तैयारियों में लगा था। उस रात उसके अंकल एंडरसन ने उसे डिनर पर बुलाया था। मिस्टर एंडरसन की वाइफ पिछले 4 सालों से लापता थी और तब से वो थोड़े अजीब से हो गए थे। डेविड को अपने अंकल बिल्कुल पसंद नहीं थे और उसे अपनी आंटी से बहुत लगाव था, इसीलिए वो उस दिन 4 सालों के बाद अपने अंकल का हाल चाल जानने के लिए वहां गया। जब वो वहां पहुंचा तो मिस्टर एंडरसन की हालत देख वो थोड़ा सहम गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो सालों से नहीं सोए। पूरे घर में अंधेरा था और बस एक ही बल्ब जल रहा था। डेविड को वहां कुछ ठीक सा नहीं लग रहा था। डेविड बैठ के उनसे बातें ही कर रहा था कि उसे लगा कि किचन में किसी के खाना बनाने की आवाज आई। ये सुन के उसे अपनी आंटी की याद आई। वो ऐसे ही उसके लिए खाना बनाया करती थी। उसने अपने अंकल से पूछा, क्या यहाँ कोई और भी है क्या? तो अंकल ने कहा कि नहीं, कोई और नहीं है। कुछ देर बाद जो एक बल्ब जल रहा था वो फ्लिकर करने लगा। अंकल एंडरसन जैसे ही ये चेक करने के लिए अंदर गए, वैसे ही किसी ने डेविड का नाम पुकारा। डेविड, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी आंटी की थी। आंटी, क्या ये आप हैं? उस लाइट की फ्लिकर में उसे कुछ धुंधला सा दिखा। उसकी आंटी की आत्मा उसके ठीक सामने खड़ी थी। फिर वो आत्मा धीरे से घर के बेसमेंट की तरफ चली। डेविड डरते डरते उसके पीछे गया। बेसमेंट में जाते ही वो आत्मा गायब हो गई और डेविड ने वहां का भयानक दृश्य देख के तुरंत पुलिस को फोन किया। उसने देखा कि वहां सैटन यानी गॉड ऑफ डेथ की मूर्ति है और उसके आगे 4 लोगों की सड़ी हुई लाश पड़ी है। कुछ ही देर में उसे चक्कर आने लगे और वो बेहोश होके नीचे गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अंकल एंडरसन ने उसे बांध रखा है और वो सैटन की पूजा कर रहे हैं। डेविड को ऐसा लगने लगा कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा, पर तभी वहां पुलिस ने आके उसे बचा लिया और अंकल एंडरसन को गिरफ्तार कर लिया। इंटरोगेशन के बाद मालूम हुआ कि उन 4 बॉडी में से एक बॉडी उनकी वाइफ की थी और बाकी 3 उस शहर से गायब हुए लोगों की। हर हेलोवीन को इन लोगों की बलि चढ़ा के एंडरसन सैटन को खुश करके अमर बनना चाहता था और इसीलिए उसने इन सब लोगों का मर्डर किया। डेविड भी शायद आज जिंदा नहीं होता अगर वहां उसकी आंटी की आत्मा नहीं आती। डेविड ने उन 4 बॉडीज का सही तरीके से बरियल